गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स में लेसन नंबर 3, जिसके टोटल 13 पार्ट हो गए हैं। कल अपना टेस्ट था, आज अपने 14वां पार्ट पढ़ेंगे। पहले एक बार टेस्ट पर आते हैं। टेस्ट में 4 क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। तो समविभव पृष्ठ की केवल परिभाषा लिखनी थी। ऐसा पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र में होता है, गोलाकार होता है और प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। या वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल था। एक इलेक्ट्रॉन को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा यदि ए बिंदु व बी बिंदु के मध्य विभांतर 100 वोल्ट हो। बहुत ही आसान सा, V बराबर होता है W बटा में Q। यहाँ पर आप लिख सकते हैं W बटा में E। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे W बराबर आ जाएगा EV। ई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? -1.6 × 10⁻¹⁹ वोल्टेज अपने कितना दिया हुआ है? 100 यानी 10⁻²। तो यह आ जाएगा -1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये था सही आंसर। आप यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हो, केवल मैग्नीट्यूड परिमाण लिख सकते हो। अगर प्लस लगाया है तो भी क्या है, सही माना जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 2 आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। केवल अपने को फॉर्मूला लिखना था। तो फॉर्मूला क्या था? U बराबर कि Q1 Q2 बटा में R12 सदिश मॉड्यूलस। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटा में 4π ε₀ R12 सदिश मॉड्यूलस। तो अभी ये सही माना जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन था, सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का सूत्र। कार्य का फॉर्मूला आपने इसे पूछा था। तो कार्य का सूत्र क्या होगा? W बराबर होगा PE cos θ1 − cos θ2। स्थायी संतुलन की स्थिति में θ1 का मान 0 लिख सकते हैं और θ2 का मान 180 डिग्री। तो W बराबर क्या आ जाता, या सॉरी θ2 का मान थीटा, तो W बराबर क्या आ जाता? PE1 − cos θ। ये भी सही माना जा सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान से। अभी भी 5-6 बच्चों की कॉपी नहीं आई है, जल्दी से कॉपी वो भेजें। अब अपने आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही आसान सा, विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या विद्युत द्विध्रुव को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण तक लाने में किए गए कार्य का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 2 प्रश्न है, पहला मैंने लिख दिया है, दूसरा आपको PDF में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने को विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक अपने को व्युत्पन्न करना है। तो देखो, सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं। ये सम विद्युत क्षेत्र है, ई सदिश। इस प्रकार से 5 लाइन खींच रहा हूं मैं। ये है ई सदिश। क्या है? सम विद्युत क्षेत्र ई सदिश। जो बीच वाला लाइन है इसको मैं इस प्रकार से अनंत तक ले जा रहा हूं। अनंत दूरी पर अपने पास एक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का एक जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, जो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का एक जोड़ा बन जाता है, जो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। तो यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव है जिनमें ए बिंदु पर आवेश है -Q और बी बिंदु पर आवेश है +Q। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2A है। जब विद्युत द्विध्रुव को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है तो यहां पर अपने को कार्य करना पड़ेगा और जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है कि जब विद्युत द्विध्रुव को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है तो यहां पर अपने को कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से लाना है कि P सदिश और E सदिश एक दूसरे के समांतर रहे। P सदिश क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। यानी P बराबर क्या होगा? Q × 2A। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है? विद्युत द्विध्रुव को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में लाना है। तो लाएंगे तो यहाँ पर जो -Q आवेश है वो अपने आप आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा है? पॉजिटिव। और आवेश कौन सा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज को जो पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र होगा वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा।
लेकिन जो प्लस क्यू आवेश है उसे लाने के लिए प्रतिकर्षण बल लगाना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपने कार्य करना पड़ेगा, अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। कौन से आवेश को लाने के लिए? प्लस क्यू आवेश को लाने के लिए। तो जैसे ही अपने यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएंगे तो कार्य होगा, ए बिंदु पर जो बल लगेगा वो लगेगा एफ सदिश इज इक्वल टू माइनस क्यू ई सदिश, बी बिंदु पर जो बल लगेगा वो लगेगा एफ सदिश बराबर क्यू ई सदिश। ये बल अपने कैसे निकाला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ई बराबर एफ बटा में क्यू, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? क्यू ई। तो यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, दोनों बल कैसे हैं? परिमाण में बराबर और प्रकृति में कैसे हैं? अपोजिट हैं। अब विशेष बात कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश इन दोनों की तुलना करें अपने, तो माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। दूरी ज़्यादा किसको तय करनी पड़ रही है? माइनस क्यू आवेश को। तो माइनस क्यू आवेश पर जो किया गया कार्य होगा वो कार्य अपने निकालेंगे और वो कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर कार्य कितना किया गया है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, यानी जो कार्य है वो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। कार्य बराबर होगा एफ सदिश डॉट टू ए सदिश। माइनस क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल है वो है एफ सदिश बराबर माइनस क्यू ई सदिश। ये मान अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा माइनस क्यू ई सदिश डॉट टू ए सदिश, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू इंटू टू ए, और यहाँ पर आ जाएगा डॉट ई सदिश, और ये किस में है? सदिश में है, क्योंकि हम जानते हैं q इंटू टू ए इजिकल टू क्या होगा? p। अगर ये सदिश है तो ये भी आ जाएगा सदिश रूप में, तो w इजिकल टू आ जाएगा माइनस p सदिश डॉट ई सदिश। अगर अपने सदिश हटाएं तो w बराबर आएगा माइनस पी ई कोस थीटा। थीटा का मान कितना होगा? पहले अपने पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से लाया जाता है कि P सदिश और E सदिश एक दूसरे के समांतर रहे, यानी थीटा का मान कितना होना चाहिए? जीरो। कोस जीरो का मान कितना होगा? एक। तो यहाँ पर अपने मान रख देंगे थीटा का, थीटा का मान कितना रखना है? जीरो रखना है। तो ये आ जाएगा W बराबर माइनस पी ई कोस जीरो, और कोस जीरो का मान एक होगा, तो W इज इक्वल टू यू वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस पी ई, या यू वन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई, समीकरण नंबर एक नंबर। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको इस प्रकार से बताया कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण तक घुमाने में, यानी अपने को जैसे विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाना है तो थीटा कोण से विस्थापित कर देना है। तो थीटा कोण से विस्थापित करने पर जो कार्य होगा वो भी ऊर्जा के रूप में होगा, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं W बराबर U2 इज इक्वल टू होगा पी ई वन माइनस कोस थीटा। स्थायी संतुलन की स्थिति में जो कार्य है वो सेकंड कंडीशन में एनर्जी है, तो U2 का मान आ जाएगा पी ई वन माइनस कोस थीटा, समीकरण नंबर दो नंबर। दो एनर्जी निकाल ली अपने, निकाल ली पहली कंडीशन में अपने डायरेक्ट विद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं, दूसरी कंडीशन में अपने क्या कर रहे हैं? थीटा कोण से विस्थापित कर रहे हैं। जो कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी वो अलग अलग ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। तो कुल ऊर्जा कितनी है? U है। अलग अलग ऊर्जा कितनी है? U1 और U2 है। तो U बराबर अपन लिखेंगे U1 प्लस U2, समीकरण नंबर तीन नंबर। समीकरण तीन में मान रख देंगे समीकरण एक और दो से, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं समीकरण एक दो व तीन से, तो U बराबर आएगा माइनस पी ई प्लस पी ई वन माइनस कोस थीटा। U बराबर लिखेंगे माइनस पी ई प्लस पी ई माइनस पी ई कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो U बराबर आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा। ये समीकरण नंबर चार है। समीकरण चार ही क्या है? विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, या विद्युत द्विध्रुव को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर विस्थापित करने में किए गए कार्य, या विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। इसको अगर अपने सदिश रूप में लिखें तो यू बराबर आएगा माइनस पी सदिश डॉट ई सदिश। सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? यू बराबर माइनस
पी सदिश डॉट ई सदिश। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूरा हुआ, लेकिन तीन कंडीशन है इसकी। थीटा का मान अपने चेंज कर सकते हैं, जैसे थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री और थीटा का मान 180 डिग्री। अगर थीटा का मान 0 है तो कोस 0 हो जाएगा और यू मैक्स आएगा, यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस पी। अगर मान लो थीटा का मान 90 डिग्री है तो कोस 90, एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो यू मैक्स आएगा और कितना आएगा प्लस पी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आपको आज का क्वेश्चन आपका ये रहेगा, आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक लिखना है, एसआई पत्ती में एसआई पत्ती मात्रक क्या है ये लिखकर आपको कमेंट करना है। थैंक यू।